ड्यूटी निभाते निभाते पुलिसकर्मी कई प्रकार के तनाव में आ जाते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने और तनाव मुक्त रहने के तरीके सीखने के लिए आज इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। एएसपी राजेश्वरी महोबिया ने बताया कि अभी ट्रेनिंग के समय सभी ट्रेनीज को तनाव मुक्ति के तरीके सीखना आवश्यक है, जिससे वे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकेंगे। कार्यक्रम में मशहूर साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड काउंसलर डॉक्टर मंजुलता चौधरी द्वारा तनावग्रस्त होने पर तनाव मुक्ति के तरीके सिखाए गए। टाइम को आप बात कर रहे थे, कितनी देर में आप इस काम को करेंगे, उस काम को फिनिश हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग दीजिए अपने आप, बहुत सारी चीजें आप करते करेंगे। आप ऐसा आप कितने बार आप उठे बैठे सब क्या है, आप उसको भी देखिए कि हमारे कितने ज्यादा मूवमेंट बेकार जा रहे हैं। आपका जो कंडीशन बना है, जो भी साइकोलॉजिस्ट उन्होंने लिखे बनाया है कि आपको कितना उठा सकते हैं, ओला उठाने वाला अलग है, आपका यूजर पावर अलग है, 24 पॉइंट का होता है पॉइंट, उसमें देखा किसको उठाने से एनर्जी कम होगी और काम ज्यादा। तो साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर कोई अकेला यहाँ पर काम नहीं हुआ, यहाँ पर बहुत सारे कोलोबोरेशन है, साइकोलॉजिस्ट इंजीनियर्स डॉक्टर्स सबने मिलकर काम किया इस टीम में। तो बहुत सारी चीजों में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखे कहा कि कितने सारे मूवमेंट्स अपने गलत है, उनको अलग करके आप ट्रेनिंग दीजिए अपने आप और टाइम मैनेज करके सोचिए कि आप टाइम स्ट्रेस में है तो आपके हार्मोनल बैलेंस आपको कितनी परेशानी है, आपसे कोशिश करके देखिए। एक पॉइंट आता है लिसनिंग, ध्यान से सुनना। हम लोग वहां जबलपुर में नाटक देखने जाते हैं तो नाटक वहां पर विवेचना के बहुत बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो वहां का माहौल पिन ड्रॉप साइलेंस होता होगा। वहां के ऑडियंस के जो आर्टिस्ट आते हैं बहुत तारीफ करते हैं कि यहाँ के ऑडियंस बहुत अच्छे हैं, वहां पर कुछ भी अलाउड नहीं है, मोबाइल नहीं, बच्चे नहीं, कोई बात नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकते, क्योंकि आर्टिस्ट वहां पर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो लिसनिंग हुए कि चीज को इतने ध्यान से देखते हैं। एक बार वो नाराज हुए, नाटक वगैरह आई थी, नाटक कर रहा था, किसी की आवाज आ रही थी, एकदम खड़ी हो गई। बोले आप लोग समझते नहीं कि आर्टिस्ट को कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है, कितना ध्यान से अपने दूसरे लोगों को सुनना पड़ता है। आपने डिस्टर्ब कर दिया तो पूरा बैक नहीं हो, दोबारा सुनने को रंगा कर दिया। तो लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको भी लगता है कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, घर में कहीं भी है आप किसी की बात को भी ध्यान से